खेल मंत्री संदीप सिंह ने इस्माइलाबाद निवासियों के नगरपालिका तोड़कर वापस ग्राम पंचायत का दर्जा देने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन स्थल का दौरा किया, जहां धरने पर बैठे लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों विधानसभा में आश्वस्त किया था कि जो लोग नगरपालिका से वापस पंचायत में जाना चाहते हैं उनका सर्वे करवा कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और इस्माइलाबाद की जनता के हक में जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। काफी लोगों की मांग थी कि नगर पालिका जो है वो बंद होनी चाहिए। मैं उनकी मांगे सुनी है, उन्होंने मुझे ज्ञापन भी दिया है और डेफिनेटली मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा होगी, बात करेंगे, बैठेंगे और जो भी देखिए रहना लोगों ने है, इनकी सुविधाएं जो जिस प्रकार सबसे ज़्यादा अच्छी हुई और उसी के ऊपर काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान भी आया था विधानसभा से, कहा था कि अगर कोई ऐसा वहाँ के लोग चाहेंगे कि हमारी है नगर पालिका की बजाय गांव होना चाहिए तो उसके ऊपर हम सर्वे जरूर करवाएंगे, तो उसके तहत मैं उनसे मिलूंगा भी और इनका ज्ञापन उनको सौंप के इसके ऊपर उचित से उचित जल्दी से जल्दी कार्रवाई करूँगा। वहीं दूसरी ओर खेल मंत्री ने मनीष पपनेजा मेमोरियल सनातन धर्म गर्ल्स कॉलेज में लगे रक्तदान शिविर में शिरकत की। इसके बाद खेल मंत्री ने शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु यूथ क्लब की ओर से आयोजित युवा क्रांतिकारी सम्मेलन में भाग लिया। मेले होते हैं, उस मेला के अंदर जो युवा साथियों के लिए क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपने पाँव पे खड़े हो सके, वो अपने पाँव पे खड़े होके अपने परिवार के लिए रोजी रोटी रोजगार जो है वो आगे बढ़ा सके, तो ऐसे सम्मेलन जो हैं वो पहले भी पिछले साल भी हमने सरकार ने अलग अलग जगह पर लगवाए थे, तो इस बार फिर लगवाएंगे जिससे कि युवा साथी उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अगर आपको याद होगा 6 तारीख को रैली हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी 6 अप्रैल को, तो उस दौरान भी कई युवा साथियों को वो उनकी जो उन्होंने हेल्प ली थी सरकार द्वारा उसको उनकी जो हेल्प है वो सौंपी गई थी। तो ऐसे ही कई उस मेले में जो योजनाएं आती हैं, योजनाओं में आप कैसे लाभ उठा सकते हैं तो उससे पता करके अपने पाँव पे खड़े। कुछ खेल परियोजनाएं मैं एक अपने हल्के में पेहवा हल्के में युवा साथियों के लिए नवंबर दिसंबर के मौसम में, क्योंकि उस मौसम में अच्छा ठंडा भी होता है, एग्ज़ाम भी नहीं होते हैं, तो उस दौरान युवा साथियों के लिए 2-3 गेमों के टूर्नामेंट्स करवाएंगे जिसके दौरान कुछ खिलाड़ी जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में लेकर आएँ। ये मैंने कहा आज हमारा युवा साथियों का मिलन सम्मेलन था यूथ क्लब का, तो मैं उनके साथ रूबरू हुआ तो काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। ब्लड इस्माइलाबाद के अंदर ब्लड डोनेशन का हमने एक कैंप लगाया था, तो उस मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ नया हॉस्पिटल जो है पेहवा के अंदर बन रहा है उसमें ब्लड बैंक और ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी लग गया, ब्लड बैंक का वहाँ पर लाएंगे जिससे कि अपने एरिया को कोई भी ऐसी कमी ना। गौरतलब है कि जब से इस्माइलाबाद नगर पालिका के चुनाव हुए हैं और आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट ने जीतने के बाद प्रधान पद ग्रहण किया है, उससे पहले से इस्माइलाबाद नगर पालिका को भंग करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।